अब कोण के पांच प्रकार होते हैं। हाँ बताओ। पहला नाम लिखो। न्यून कोण। हाँ न्यून कोण लिख करके इसको बताओ क्या होता है न्यून कोण। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। हाँ जैसे वहाँ पर बताओ थोड़ा चित्र बनाकर। आगे कोण 90 होता है उसे सम कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 होता है। ठीक। जिस कोण का मान 90 से 180 के मध्य में होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। ओके आगे। रिज कोण। जिस कोण का मान 180 होता है उसे रिज कोण कहते हैं। ठीक। जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। अगर दो समकोण आपस में मिल जाएं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। 180। दो समकोण एक ऋजु कोण का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं ऋजु कोण का निर्माण करते हैं। ठीक। और दो ऋजु कोण आपस में मिल जाएं तो किसका निर्माण करेंगे। हाँ दो ऋजु कोण, एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री और दो ऋजु कोण मिल जाते हैं तो 180 प्लस 180 360 डिग्री होता है, यानी एक संपूर्ण कोण का निर्माण करते हैं। समझ में आया। यस सर। ओके थैंक यू उत्कर्ष। गो बैक टू योर सीट।